हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश आपका शशांक का ये चैनल पर स्वागत करता हूँ। और आज हम भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का एक नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। और प्रेसिडेंट के टॉपिक में आज अब तक हमने पढ़ाया था कि भारत का राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। उसके बाद बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है, और उसके बाद एक विधायक के और एक सांसद के मत का मूल्य बताया था कि एक सांसद के और एक विधायक के मत का मूल्य क्या होता है। अगर किसी भी विद्यार्थी को अगर मेरा पूरा बैच चाहिए तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें शशांक आईएएस चैनल, यानी कि शशांक आईएएस एप्लीकेशन पर पूरा डिटेल में सीरीज में पूरा बैच पढ़ा हुआ है। तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान का यूपीएससी, स्टेट पीएससी या कोई भी स्टेट एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी, बहुत बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो हमने लास्ट में बताया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। सबसे पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन में पेपर का प्रयोग होता है, अर्थात जो जो सांसद और जो जो विधायक राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं वो एक बैलेट पेपर से भाग लेते हैं, यानी उनके पास एक बैलेट पेपर होता है। पेपर के बाद वरीयता के आधार पर चुनाव होता है भारत का राष्ट्रपति का। ऐसा नहीं है जैसे सांसद और विधायक का, यानी लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होता है उस प्रकार का नहीं होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का चुनाव ऐसा नहीं होता कि एक सीट है उस पर 5 उम्मीदवार खड़े हो गए, जो जीत गया यानी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिली वो जीत गया, ऐसा नहीं है। याद रखना राष्ट्रपति का चुनाव वरीयता के आधार पर होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक सांसद वोट करता है, ये पेपर है मान लीजिए बैलेट पेपर, मत पत्र, इसमें 4 उम्मीदवार मान लीजिए खड़े हुए हैं चुनाव के लिए, ए बी सी और डी, 4 उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़े हैं। मान लीजिए एक मैं वोटर हूं, V1, मैंने मान लीजिए पहली वरीयता बी को दी, यानी मेरे हिसाब से बी राष्ट्रपति बनना चाहिए पहले नंबर पे, दूसरी ए को, तीसरी सी को और चौथी डी को। इस तरीके से वरीयता दी जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन सांसद और विधायक बाध्य नहीं है वरीयता देने के लिए, प्रेफरेंस देने के लिए। तो मत पत्र का यूज होता है, प्रेफरेंस बेस्ड होता है वरीयता के आधार पर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। अब वरीयता दी जाती है, कोई भी सांसद जो वोट देगा राष्ट्रपति उम्मीदवार को वो वरीयता देगा, पहली वरीयता, दूसरी वरीयता, तीसरी और चौथी। हालांकि ऐसा बाध्य नहीं है, लेकिन ज्यादातर सांसद वरीयता देते हैं। अगर नहीं देंगे सारे सांसद तो चुनाव में दिक्कत आ जाएगी। दूसरा, जब वरीयता दे देते हैं तो एक मत पेटी होती है, बैलेट बॉक्स, उसमें उसको डाल दिया जाता है। जब डाल दिया जाता है तो इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग इसको अपने साथ ले जाता है और बैलेट बॉक्स को खोलता है। और जब बैलेट बॉक्स को खोलता है तो वो देखता है कि पूर्ण बहुमत किसको मिला है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसको मिली है। क्या होता है पूर्ण बहुमत? देखिए, पूर्ण बहुमत का अर्थ होता है निर्वाचन कोटा। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था शायद, निर्वाचन कोटा, निर्वाचन कोटा का अर्थ है जितने कुल मत, कुल वैध मत, कुल वैध मत भाग 2+1। इसका अर्थ यह है कि 50%+1, यानी कि जितनी टोटल वोट पड़ी है, मान लीजिए 5 उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति के। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बहुत बहुत जरूरी है। मान लीजिए 5 उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के और 100 वोट पड़ी, तो 100 का कुल वैध मत मान लीजिए, कुल वैध मत 100 पड़ी, तो 100 भाग दो दीजिए 50+1=51, यानी आधे से एक ज्यादा वोट पड़नी चाहिए, यानी आधे से एक ज्यादा वोट मिलनी चाहिए एक को, तब वो भारत का राष्ट्रपति बनेगा। ध्यान से सुनना, 5 उम्मीदवार हैं जिसको आधे से ज्यादा वोट मिलेंगी, 100 वोट पड़ी है टोटल, 51 वोट जिसको मिलेंगी, मान लो इसको मिल गई 51, तो वो बन गया राष्ट्रपति। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी को भी आधे से ज्यादा वोट ना मिले, किसी को 30 मिले, किसी को 40, किसी को 35, किसी को कुछ, तब क्या होगा? तो उसके बाद एक व्यवस्था पढ़ाएंगे, एकल संक्रमणीय पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर चुनाव होगा और वोट ट्रांसफर होती रहती हैं।
यानी जिसको सबसे कम वरीयता दी गई है, जिसके सबसे कम मत का मूल्य है, उसको चुनाव से बाहर कर देता है इलेक्शन कमीशन पहले फेज में। और जैसे ही बाहर करता है, उसके बाद उसके मत के मूल्य क्या होते हैं, दूसरों में ट्रांसफर हो जाते हैं, अभी बताएंगे। और उसके बाद चुनाव आयोग दोबारा से देखता है अब किसके पास पूर्ण बहुमत है। मान लीजिए अब किसी के फिर भी किसी के पास नहीं आया दूसरे चक्कर में भी, तो सबसे कम वरीयता वाले को निकाल देगा, फिर दो बचे, एक के पास तो पूर्ण बहुमत आ ही जाता है। तो ऐसे ऐसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आइए देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन होने के लिए उम्मीदवार को एक निर्वाचन कोटा प्राप्त करना होता है। निर्वाचन कोटा प्राप्त होता है करना होता है यानी पूर्ण बहुमत। राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। और इसका याद रखना, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब का चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है। और जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं, पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनको कराता है राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब निर्वाचन कोटा क्या होता है? निर्वाचन कोटा होता है चुनाव में डाले गए मत का कुल मूल्य डिवाइडेड बाई 2+1, यानी कि जितने वोट डाले गए हैं उनका मत का मूल्य, मान लीजिए 100 है टोटल का, बाई 2+1, यानी 50% + 1 आ गया। इतने वोट चाहिए ही चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। इस चीज को याद रखना। एमपी एमएलए का, सांसद और विधायक का जो चुनाव होता है, उसमें जो जीता वही सिकंदर होता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो बन गया। लेकिन यहां पर जितना मत का मूल्य निकला है टोटल, उसका आधे से एक ज्यादा वोट होने चाहिए तब वो भारत का राष्ट्रपति बनेगा। तो ये यहां तक क्लियर हो गया। आइए देखते हैं एकल संक्रमणीय की पद्धति क्या कहती है। जिस उससे पहले हम चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे होगा इलेक्शन। आइए देखते हैं एक बार डिटेल में। देखिए, मान लीजिए ये एक बैलेट पेपर है, मान लीजिए ये एक मत पत्र है, ठीक है। उसके बाद ये चार उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति चुनाव के पद के लिए, यानी चार उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, ए बी सी डी, और इसमें वोटर है V1, V2, V3। और V4, चार वोटर हैं। मान लीजिए मैं सांसद हूं, ठीक है, मान लीजिए मैंने ए को पहली वरीयता दी, मेरे हिसाब से ए राष्ट्रपति बनना चाहिए। दूसरी वरीयता मैंने सी को दी, तीसरी वरीयता मैंने डी को दी, और चौथी वरीयता मैंने बी को दी। मेरे हिसाब से सबसे अच्छी चॉइस ए है और यही भारत के राष्ट्रपति बनना चाहिए। दूसरी सी को, दूसरे नंबर पे सी अच्छा है, ये भी चलो काम चला हुआ, ये भी राष्ट्रपति बन सकता है। इस तरीके से मैंने वरीयता दी। अब मान लीजिए दूसरा कोई सांसद है V2, V2 ने पहली वरीयता दी B को, V2 ने दूसरी वरीयता दी C को, और V2 ने तीसरी वरीयता दी D को, और चौथी दी A को। इस तरीके से V2 ने B को पहली चॉइस दी है कि B राष्ट्रपति बनना चाहिए, और अंतिम जो पसंद है V2 की वो है A। उसके बाद V3 तीसरा एक वोटर है, तीसरा कोई सांसद या विधायक है निर्वाचित, उसने ए को पहली वरीयता दी, दूसरी बी को, तीसरी सी को, और चौथी डी को। एक V4 है, V4 ये वोटर है याद रखना, और ये ए बी सी डी उम्मीदवार है। V4 के पास पेपर आया, V4 ने मान लीजिए बी को दी पहली वरीयता, दूसरी सी को, तीसरी डी को, और चौथी ए को। इस तरीके से सभी सांसद वोट करते हैं। अब मैंने एक ही पेपर पर बता दिया है, लेकिन असल में अलग अलग पेपर होते हैं। आइए देखते हैं। अब सबने इलेक्शन, सबने मत पत्र पर वोट कर दिया, बैलेट बॉक्स पर वोट कर दी, मत पेपर पर वोट कर दिया, उसके बाद बैलेट बॉक्स में भी डाल दिया। अब निर्वाचन कोटा प्राप्त है या नहीं है,
अब इलेक्शन कमीशन गणना करता है। अब निर्वाचन आयोग सबसे पहले यह देखता है कुल वैध मत कितने पड़े हैं, कुल वैध मतों का मूल्य कितना है। मान लीजिए 1,000 है कुल वैध मतों का मूल्य, तो निर्वाचन कोटा कितना होगा, 501, यानी 50% प्लस वन। इसको याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 50% प्लस वन यानी 501। आइए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ए का। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने देखा कि सबसे ज्यादा पहली वरीयता किसको दी गई है, तो ए की बात करें तो पहली वरीयता ये दी गई है, उसके बाद V3 ने पहली वरीयता दी है। इसका मतलब है ए को पहली वरीयता पहले वोटर ने दी है और तीसरे वोटर ने, दो लोगों ने ए को पहली चॉइस दी है कि ये राष्ट्रपति बनना चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन बी का देखता है, बी को पहली वरीयता कितनी दी गई है, तो बी की बात करें तो पहली V3 ने और उसके बाद V4 ने, यानी बी को पहली वरीयता V2 ने दी है और V4 ने, दो वोटरों ने दी है। अगर हम सी की बात करें तो सी को पहली वरीयता किसने दी है, तो सी को किसी ने भी पहली वरीयता नहीं दी, यानी सबसे कम, और डी को भी किसी ने नहीं दी। अब इलेक्शन कमीशन ने देखा कि कुल 1,000 मत पड़े हैं, यानी कुल मतों का मूल्य 1,000 है, तो निर्वाचन कोटा कितना होगा, 501। 501 वोट होनी ही चाहिए तब जाकर राष्ट्रपति बनेगा। उसके बाद निर्वाचन आयोग ने देखा कि सबसे ज्यादा पहली वरीयता किसको दी गई है। जैसे मान लीजिए बी को सबसे ज्यादा वरीयता दी गई है पहली, उसके बाद ए को, उसके बाद सी को, उसके बाद डी को। अगर पहली नहीं होगी तो दूसरी वरीयता के आधार पर आगे बढ़ेंगे, दूसरी नहीं होगी तो तीसरी वरीयता के आधार पर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा बी को पसंद किया गया है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, फिर ए और फिर सी और फिर डी। उसके बाद चुनाव आयोग क्यों, क्योंकि पहली वरीयता बी को मिली है ज्यादा, तो पहली वरीयता वाली वोट बी के पास जाएंगी। ध्यान से सुनना, यानी V1 का जो मत मूल्य होगा और V3 का जो मत मूल्य होगा वो बी के पास जाएगा, बी के पास जाएगा। मान लीजिए बी 50% प्लस वन ले आया पहले चरण में, सबसे पहले सी की काउंटिंग होगी, सबसे पहले बी की, क्योंकि सबसे ज्यादा बी को पहली वरीयता दी है और बी के पास पहली वरीयता वाले सबसे ज्यादा वोट हैं, सबसे ज्यादा लोगों ने बी को पसंद किया है पहली वरीयता देके, तो इसी की वोट काउंटिंग होगी, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, पहली वरीयता दी है, तो पहली वरीयता वाले वोट ट्रांसफर होंगे, दूसरी तीसरी चौथी वाले नहीं होंगे। अगर भी पहली बार में ही निर्वाचन कोटा प्राप्त कर लेता है तो बन गया भारत का राष्ट्रपति। ये हुआ फर्स्ट फेज का चुनाव, फर्स्ट फेज की गणना। और मान लीजिए नहीं हुआ निर्वाचन कोटा, किसी के पास 40% वोट है, किसी के पास 30, किसी के पास 30, किसी के पास 20, अब क्या होगा, तब इलेक्शन कमीशन सबसे कम जिसको पसंद किया गया है, सबसे कम मत का मूल्य किसे मिला है, इलेक्शन कमीशन उसको निकाल देता है। मान लीजिए डी को निकाल दिया पहले फेज के बाद, डी को चुनाव से बाहर कर दिया। इसको अब देखना एकल संक्रमणीय पद्धति स्टार्ट होगी। जब डी को निकाल दिया तो उसके बाद इधर आ जाइए राइट साइड में, तो बचे कौन कौन, बी, ए और सी। अब डी को भाई कुछ लोगों ने तो पहली वरीयता दी होगी और डी को कुछ लोगों ने तो दूसरी वरीयता दी होगी, डी को कुछ लोगों ने तो तीसरी वरीयता दी होगी और डी को कुछ लोगों ने चौथी वरीयता भी दी होगी, कुछ ने तो दी होगी। अब जो पहली वरीयता वाले वोट थे वो तो डी के पास ही चले गए और डी इलेक्शन से बाहर है, तो दूसरी वरीयता वाले, याद रखना, जो वोट थे वो बी के पास चले जाएंगे, तीसरी वरीयता वाले ए के पास चले जाएंगे और चौथी वरीयता वाले सी के पास चले जाएंगे। नहीं आया समझ में, दूसरी वरीयता वाले बी के पास, तीसरी वरीयता वाले ए के पास और चौथी सी के पास, चॉइस के हिसाब से जाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन के पास आ गए बी ए सी। फिर इलेक्शन कमीशन सबसे ज्यादा पसंद किया गया है, सबसे ज्यादा मत यानी सबसे ज्यादा पहली चॉइस किसको दी गई है, कितने लोगों ने सबसे ज्यादा पहली चॉइस किसको दी है, उसके मत का मूल्य गिनेगा। मान लीजिए बी अब 50% प्लस वन ले आया,
तो बन गया भारत का राष्ट्रपति, और नहीं ला पाया तो इलेक्शन कमीशन चेक करेगा सबसे कम वरीयता किसको दी गई है, सबसे कम मत का मूल्य किसके पास है। मान लीजिए सबसे कम मत का मूल्य सी के पास है तो सी को इलेक्शन से बाहर कर देता है, और जैसे ही सी को इलेक्शन से बाहर किया अब क्या होगा, तो सी से इलेक्शन को बाहर किया तो सी को पहली वरीयता, दूसरी वरीयता, तीसरी वरीयता और चौथी वरीयता भी तो दी होगी। नहीं आया समझ में, क्योंकि सांसद वरीयता देते हैं, विधायक वरीयता देते हैं बैलेट पेपर पर, मत पत्र पर। अब सी को जो पहली वरीयता दी होगी फर्स्ट चॉइस, तो सी की में ट्रांसफर हो गई तो वो तो हटा देंगे हम। उसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी, क्योंकि दूसरी वरीयता हमने पहली ट्रांसफर कर दी थी, फिर तीसरी और चौथी वरीयता वरीयता के हिसाब से ट्रांसफर हो जाएगी और फिर मत का मूल्य निकाला जाएगा। अब एक के पास तो पूर्ण बहुमत आ ही जाएगा, यानी एक के पास तो निर्वाचन कोटा प्राप्त हो जाएगा, और जैसे ही एक के पास निर्वाचन कोटा होगा तीसरे फेज में वो भारत का राष्ट्रपति डिक्लेयर हो जाएगा। इस तरीके से सारे वोटर मत पत्रों पर वरीयता देते हैं, जिसको सबसे ज्यादा वरीयता मिलती है उसका मत का मूल्य ज्यादा होता है, और उसके पास अगर निर्वाचन कोटा पहले ही बार में आ गया तो बन गया वो राष्ट्रपति, नहीं आया तो एकल संक्रमणीय पद्धति चलती रहती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट चलती रहती है। आइए देखते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति, यानी ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 55 में दिया हुआ है। देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होता है, लेकिन वह अपनी पसंद के अनुसार विभिन्न उम्मीदवारों के बीच वरीयता के आधार पर वोट करता है। निर्वाचन के बाद पहली पहले चक्र की मतगणना होती है, जिसमें पहली वरीयता के अनुसार उम्मीदवार के बीच मत बांट दिए जाते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा प्राप्त हो जाए तो उसे निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी को ना मिले, तो दूसरे फेज का, दूसरे चरण का जो मतगणना होगी वो होगी। लेकिन अगर किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा नहीं मिलता है तो उसे उम्मीदवार को प्राप्त मतों का मूल्य सबसे कम है उसे चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है, और फिर दूसरी जनगणना होती है उसे, सॉरी दूसरी गणना होती है उसे प्राप्त मत अन्य उम्मीदवार के बीच द्वितीय वरीयता के अनुसार हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, दूसरी वरीयता के आधार पर। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक किसी एक को निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं हो जाता। यह है एकल संक्रमणीय पद्धति की परिभाषा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की परिभाषा। तो ये ऐसे ऐसे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, बिल्कुल बेसिक है, हालांकि थोड़ा टफ है। और याद रखना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही चुनाव इसी प्रकार होते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के ही चुनाव का जो प्रकार है वो यही है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना भी की है, क्रिटिसाइज भी किया है राष्ट्रपति के चुनाव को। क्यों? सबसे पहली आलोचना है कि राष्ट्रपति का चुनाव बहुत ही जटिल है, बहुत कठिन है, इसको आम आदमी समझ ही नहीं पाएगा। यार ये क्या मतलब है? सांसद का क्या होता है? एक सीट, पांच उम्मीदवार, जिसको सबसे ज्यादा वोट वही जीता, वही सिकंदर। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है? एकल संक्रमणीय पद्धति, निर्वाचन कोटा चलता रहता है, पहला चरण, दूसरा चरण। आम आदमी को कभी समझ में नहीं आएगा, जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है तो मुझे लगता है कि आपको आ गया होगा, फिर भी कुछ को नहीं आया होगा, तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। और लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। दूसरा है राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उम्मीदवारों के बीच वरीयता का क्रम सूचित करना अनिवार्य नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो सांसद और विधायक हैं वो वरीयता दें या ना दें ये कोई अनिवार्य नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। अब मान लीजिए वरीयता ही नहीं दी, पहली पहली वरीयता दे दी, तो उसमें इलेक्शन कमीशन को बहुत काम करना पड़ जाएगा, फिर और कठिन हो जाएगा। तीसरा है, यदि संख्या में निर्वाचक मंडल के सदस्य वरीयता ना दें तो निर्वाचित प्रक्रिया में गतिरोध हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि ज्यादा से ज्यादा सांसद अगर निर्वाचन प्रक्रिया में वरीयता ना दे, दे ही नहीं वरीयता, तो उस केस में तो गतिरोध हो जाएगा, वरीयता ही नहीं दी गई है, तो इलेक्शन कमीशन किस तरीके से किया जाएगा। और चौथा है, दो उम्मीदवारों का मत मूल्य समान हो जाए तब गतिरोध होगा। इसका अर्थ यह, मान लीजिए लास्ट में दो उम्मीदवार बचते हैं,
यानी मान लीजिए चार हैं, इसको और इसको निकाल दिया गया, तो दो ही तो बचेंगे एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर। अब दो उम्मीदवार बचे और दोनों के मत का मूल्य बराबर हो गया, तो संविधान में उसके लिए कोई जिक्र नहीं किया गया है। अब क्या होगा? हालांकि ऐसा नहीं होगा कभी भी, व्यवहारिक तौर पर नहीं होगा। एक के पास निर्वाचन कोटा प्राप्त हो जाएगा, उसे पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। तो ये राष्ट्रपति चुनाव की आलोचना है और यही उपराष्ट्रपति चुनाव की आलोचना है, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन की क्रिटिसिज्म। आइए बात करते हैं, अगर मान लीजिए आप भारत के राष्ट्रपति बन गए तब क्या होगा? या फिर मान लीजिए दो लोगों में, राष्ट्रपति के दो उम्मीदवारों में विवाद हो जाए चुनाव को लेकर, तब वो कहां जाएंगे? तो याद रखना, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद होने पर आखिरी फैसला उच्चतम न्यायालय का होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। आखिरी फैसला उच्चतम न्यायालय का होता है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि विवाद है या नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो चुनाव हुए हैं वो एकदम परफेक्ट हैं, तो उसी को राष्ट्रपति बना रहने देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि गलत तरीके से राष्ट्रपति बना है, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन से कहेगा 6 महीने के अंदर दोबारा राष्ट्रपति पद के चुनाव कराए जाएं। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय का होता है। मान लीजिए राष्ट्रपति बन गया, अब क्या होगा? तो शपथ होगी। अब राष्ट्रपति बना है तो इनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति से ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो राष्ट्रपति से ऊपर एक स्वतंत्र निकाय है जिसको बोलते हैं न्यायपालिका। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि उस वक्त जिस दिन शपथ दिलानी है उस दिन भारत के मुख्य न्यायाधीश देश में है ही नहीं, अब कौन शपथ दिलाएगा? तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। आयु के हिसाब से जो वरिष्ठतम होगा वो शपथ दिलाएगा। अगर वो भी नहीं होगा तो वरिष्ठता के आधार पर क्रमवाइज शपथ दिलाई जाएगी। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। उपराष्ट्रपति मत लगा देना। भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर उसके बाद जो जज है 34 जज, उनमें जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो शपथ दिलाएगा। अब बात करते हैं कार्यकाल की, तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितनी वर्ष? 5 वर्ष। लेकिन आपसे व्यवहार में कोई पूछ ले कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन किस दिन से शुरू होता है? तो सभी बताएंगे सर जिस दिन शपथ ली है। ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कार्यालय के पहले दिन से होता है, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द ऑफिस। तो कार्यालय के पहले दिन से राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू होता है, इसको याद रखना। उसके बाद कब तक होता है? तो आप बोलोगे सर जब 5 साल हो जाएंगे। नहीं, जब तक दूसरा राष्ट्रपति निर्वाचित होकर नहीं आ जाता। इसका अर्थ यह है जब तक अगला राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो इसको भूल मत जाना, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 5 ईयर, कार्यालय के पहले दिन से और जब तक उपराष्ट्रपति निर्वाचित होकर, सॉरी, जब तक अगला राष्ट्रपति निर्वाचित होकर नहीं आ जाता। अब बात करते हैं, मान लीजिए, ये राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति देश से बाहर चला गया, तब कार्यभार कौन संभालेगा? तो याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालता है। उपराष्ट्रपति का ये कर्तव्य भी है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, सॉरी, इसका अर्थ यह भी है कि राष्ट्रपति सॉरी इसका अर्थ यह भी है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा, और कार्यों का निर्वहन करेगा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और उसे राष्ट्रपति के वेतन भत्ते सारी शक्तियां प्राप्त होंगी जो उसको होती है, चाहे वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति हो, चाहे वो वीटो शक्ति हो, सारी शक्तियां। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है। मान लीजिए दोनों ही नहीं है, दोनों ही देश में नहीं है, तो याद रखना उस केस में भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है।
भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, उसे सभी वेतन भत्ते सभी प्राप्त होते हैं, सभी शक्तियां राष्ट्रपति की प्राप्त होती हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश तीनों ही देश में नहीं है, या इनमें से एक बीमार पड़ा है, दो गई नहीं, उस केस में क्या होगा? क्योंकि अनुच्छेद 52 में पढ़ा था हमने, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसका पद खाली नहीं छोड़ा जाएगा। तो राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, उसके बाद याद रखना सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज है, उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज है, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यभार संभालेगा। उसके बाद वरिष्ठता के आधार पर क्रम दिया हुआ है। क्या ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल, व्यवहार में ऐसा हुआ है। 1958 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमेरिका सॉरी 1958 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 15 दिन के लिए रशिया गए थे, 15 दिन के लिए। उस वक्त उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य किया था। और 1960 के दशक में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही देश में नहीं थे, उस वक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किया था। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है भारत के इतिहास में कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश तीनों ही देश में ना हो, तीनों ही उपस्थित ना हो, और उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति का निर्वहन किया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन होता है तो यह होगा। लेकिन मान लीजिए राष्ट्रपति कहीं चले गए, या मान लीजिए अचानक राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, तो कौन कार्यभार संभालेगा? उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सभी शक्तियां उसे प्राप्त होंगी। लेकिन अधिकतम वो कितना संभाल सकता है, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितना संभाला जा सकता है पद? तो याद रखिए इसका आंसर है 6 माह। इसका अर्थ है 6 माह, अधिकतम 6 महीने तक कार्यभार संभाला जा सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराना हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज बेसिक सी समझ में आई होगी, राष्ट्रपति अदरवाइज उपराष्ट्रपति अदरवाइज भारत का मुख्य न्यायाधीश अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज, और अधिकतम कितना? 6 माह। 6 माह के अंदर अंदर दूसरे राष्ट्रपति, अगले राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना होगा। आइए देखते हैं। अब मान लीजिए भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बहुत दिन हो गए उन्हें काम करते करते, और उन्होंने बोला यार अब मैं त्यागपत्र देना चाहता हूं, रिजाइन देना चाहता हूं, घर जाएंगे, गांव जाएंगे, अपने गांव में रहेंगे। हालांकि ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो किसको देगा? पहले आप अपना दिमाग लगाइए, वो उसी को तो त्यागपत्र देगा जो उसके बाद उसका कार्यभार संभाल सके। उसके बाद कौन कार्यभार संभालेगा? उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, रिजाइन करता है। लेकिन मान लीजिए उपराष्ट्रपति को भी त्यागपत्र देना है, तो उपराष्ट्रपति के ऊपर तो राष्ट्रपति है ना, उसका मुखिया, तो वो राष्ट्रपति को देगा। यानी एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं, लेकिन एक साथ दें तो उस वक्त राष्ट्रपति वरीयता में ज्यादा है, तो राष्ट्रपति ही पहले देगा। यह हुआ त्यागपत्र अपनी मर्जी से। क्या भारत के राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है? तो बिल्कुल, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल 61 में, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग, इंपीचमेंट। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, इंपीचमेंट जो आर्टिकल 61 में। अब इंपीचमेंट पढ़ेंगे, कहीं भी हम हटाना पदमुक्त यूज नहीं करेंगे। तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, तो कोई कारण भी तो होगा। क्या कर दे ऐसा राष्ट्रपति जिस पर उसे महाभियोग लगाया जा रहा है, इंपीचमेंट लगाया जा रहा है? तो राष्ट्रपति के ऊपर इंपीचमेंट लगाना, महाभियोग लगाना का एक ही कारण है, वह है भारत के संविधान का उल्लंघन। हालांकि संविधान के उल्लंघन की परिभाषा नहीं दी गई है। अब क्या होता है संविधान का उल्लंघन? तो ये आप मान सकते हो, जो संविधान ने शक्तियां राष्ट्रपति को दी है उसका दुरुपयोग करना। तो राष्ट्रपति से ऊपर एक चीज है संविधान। संविधान ने राष्ट्रपति को सर्वोच्च बताया है,
और संविधान ने हमारी संसद को सर्वोपरि बताया है। तो राष्ट्रपति से ऊपर सबसे ऊपर संविधान है, उसी ने सबको शक्तियां दी, उसी का उल्लंघन करेगा राष्ट्रपति तो उस पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। आइए देखते हैं, अब बात करते हैं महाभियोग कौन लगाता है। तो याद रखना, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद लगाती है, पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में कितने हाउस हैं? लोकसभा और राज्यसभा। संसद में कितने सदन हैं? लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाती है, संसद लगाती है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके महाभियोग में सारे सांसद वोट करते हैं, लोकसभा के सारे, राज्यसभा के सारे, यानी मनोनीत सदस्य भी महाभियोग में भाग लेंगे। स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश भाग नहीं लेती है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग लेता है, तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, मनोनीत भी भाग लेते हैं, बाकी स्टेट विस्टेट के लिए लेते हैं, चुनाव में स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के भी लेते हैं। अब कैसे होता है आइए देखते हैं। अब मैं प्रक्रिया बता रहा हूं बेसिक सी, हालांकि यह लिखी हुई है लेकिन उसको आपको देखना नहीं है। देखिए, सबसे पहले याद रखना, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा। क्वेश्चन आता है ये कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव किस सदन में पेश होता है, लोकसभा या राज्यसभा? तो किसी में भी हो जाता, किसी में भी हो जाता है। कौन पेश करता है? कोई भी सांसद, चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो। सचिन तेंदुलकर भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है राज्यसभा में, कोई भी ला सकता है। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर ले आए, मन हुआ उसको, उनको लग रहा है कि नहीं ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं रामनाथ कोविंद जी, और सचिन तेंदुलकर ले आए कहां? राज्यसभा में। अब दो कंडीशन है महाभियोग को एक्सेप्ट करने की। पहली क्या? पहली, राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी, यानी राज्यसभा में लाया है तो राज्यसभा का सभापति इंटीमेट करेगा राष्ट्रपति को कि आपके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। दूसरा, जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है उस सदन के 1/4 के हस्ताक्षर होने चाहिए, उस सदन के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, 1/4 मेंबर के साइन होने चाहिए। क्लियर है? मान लीजिए 100 है तो 25 को लगना चाहिए कि हां राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो महाभियोग प्रस्ताव खत्म। तो 14 दिन पहले नोटिस, और जिस हाउस में लाया है उस हाउस के 1/4 के साइन। अगर करा लेते हैं तो उसके बाद महाभियोग प्रस्ताव 14 दिन बाद स्टार्ट होता है, और जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है उससे विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होता है, यानी 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत से पास होता है। नहीं हुआ तो बच गया, अगर हो गया तो प्रस्ताव फिर दूसरे सदन में भेजा जाएगा। अब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करता है। दूसरा सदन जांच करेगा कि पहले सदन ने जो आरोप लगाए संविधान का उल्लंघन, क्या ये सही है? तो दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करता है, और सांसद प्रश्न करते हैं, और राष्ट्रपति उस जांच में शामिल हो सकता है। 14 दिन इसीलिए दिए गए थे, अपने तैयारी कर लो कि आपने संविधान का उल्लंघन नहीं किया है। सांसद प्रश्न करेंगे दूसरे सदन के, और राष्ट्रपति क्या करेगा? उत्तर देगा। अगर दूसरे सदन को लगा कि राष्ट्रपति पर लगाए आरोप सही हैं, तो प्रस्ताव दूसरे सदन से भी विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, और हो गया तो उसी दिन राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देना होगा। यह है महाभियोग की प्रक्रिया, बेसिक सा है। कैसे? दोबारा एक बार देख लीजिए। मान लीजिए ये संसद है, ऊपर बना लेते हैं, मान लीजिए संसद है, ये लोकसभा, अब राज्यसभा। अब हम लोकसभा की बात करते हैं, कोई भी मेंबर लोकसभा में ला सकता है, फिर 14 दिन पहले नोटिस, और उसके बाद 1/4 के साइन इसी हाउस के, जिस हाउस में लाया गया है। अगर हो गया तो विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए उसी हाउस से, फिर दूसरे हाउस में, दूसरे हाउस में जांच होगी, और उसके बाद 2/3 बहुमत से इस हाउस से भी प्रस्ताव पास होना चाहिए। अगर हो गया तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होगा। क्लियर है या नहीं? एकदम बेसिक सा था। तो राष्ट्रपति बन गए, हट गए, शपथ हो गई, सारी चीज हो गई। अब बात करते हैं
भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां, कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, बहुत शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं वो देख लीजिए। सबसे पहली है प्रशासनिक शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या है वो पढ़ेंगे हम। उसके बाद विधायिका की शक्ति, संसद से जुड़ी हुई, विधायिका से जुड़ी हुई, कानून से जुड़ी हुई कौन कौन सी शक्ति है। तीसरी न्यायपालिका की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायपालिका से जुड़ी हुई कौन कौन सी शक्ति है। वीटो शक्ति, वीटो शक्ति हम पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में, बड़ा मस्त है ये। तो राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति कौन सी है, आपातकाल शक्ति, इमरजेंसी पावर। उसके बाद वित्त शक्ति, उसके बाद क्षमादान शक्ति, यानी राष्ट्रपति क्षमा भी कर सकता है किसी को। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको फांसी की सजा दे दी या कोई भी सजा दे दी तो राष्ट्रपति क्षमा भी कर सकता है। अलग अलग क्षमादान शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों से जुड़ी हुई शक्तियां, और उसके बाद हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो आज जो भी पढ़ाया गया है, मुझे आशा है कि आपको सहजता और सरलता के साथ सभी चीजें समझ में आई होंगी। बाकी आज के लिए इतना ही, पूरा डिटेल में पढ़ाया गया, इसको दोबारा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत।